धनंजय अपना मोबाइल बीच में भूल गया अरे भाई अरे यार रुको ठीक है बाकी रेडी हो
फील है ना हम नहीं यार मेरा यहां क्या होता है ना बड़ा मोटिवेशन यहां पे हम सेट्स यूज करते हैं मोस्टली वहां पे रियल लोकेशन वहां पे रियल लोकेशन यूज करते हैं पंजाब की चीज बहुत प्यारी है एंड आई थिंक वो फील भी रियल आती है तो बहुत नेचुरल रियल फील थी क्योंकि जो हम शूट करते थे नीमराना में वो बहुत पुराना फोर्ट है सच में इतना पुराना फोर्ट है तो वो भी फील आ रही थी जो जगह इन्होंने ली थी वो जो मार्केट है वो रियल मार्केट थी जहाँ पे मैं वो दर्जी वाला वो गाड़ियाँ भी रियल थी यार हम एक्चुअल में उन्हीं गाड़ियों में वो गाड़ियाँ रोक रोक के ऊपर शूट किया yeah. सब कुछ बहुत रियल था एंड बहुत फन है या इट वाज फन बहुत मेरा तो वही है मुझे वो मारने वालों के 20-25 शॉट ले लिए थे बार बार ऐसे 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 क्योंकि वो बेचारे जो मारने वाले थे ना वो एक्टर्स थे वो थोड़ा वो भी घबरा रहे थे कि सच में ना आ जाए तो मैं भी घबरा रहा मैं बोला भाई मेरे को ऊपर से यूरोप जाना था मैंने बोला भाई दुनिया एक तरफ यूरोप एक तरफ जैस्मिन गोली मार देगी चोट लगा के बैठा यहां से बचा हुआ निकला जैस्मिन मार देगी क्योंकि सब प्लान था बट या फन तो आया नहीं इस गाने में ना तो फनी पार्ट इज क्योंकि हम जितने भी गाने करते हैं रोमांस शुरू हो जाता है स्टोरी में एंड देन वी आर टुगेदर ओनली हमने 2 दिन में ये गाने का शूट खत्म किया 1.5 दिन तक मैंने अली के साथ शूट ही नहीं किया आई लाइक अली है ना इस गाने में इज ही डूइंग द सॉन्ग बिकॉज हमारे सेपरेट शॉट्स थे बिकॉज ऑफ कोर्स दैट काइंड ऑफ लव दैट वीव पोर्ट्रेड उसने ही इज लुकिंग दैट आई एम नॉट देयर ही इज वेटिंग फॉर मी आई एम लुकिंग एंड लुकिंग फॉर हिम ही इज नॉट देयर सो दैट वाज द फन पार्ट एंड के कुछ आवर्स में वी शॉट टुगेदर जहाँ पे मैं उसके मरहम लगा रही हूँ और वो मार खा रहा है मैं देख रही हूँ That was the only shot when we were together. So I think that was also something very different which I haven't experienced in my songs. As well as there was one more shot while he came, you were dancing and all. He runs away. Then 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 he runs away. फर्स्ट टाइम था मैं एक्टिंग से तो बहुत दूर रहता हूँ मतलब अब घुसना पड़ेगा एक्टिंग में सो उस टाइम पे मेरा फुल ऑन पार्टी मोड आ रहा है यहाँ पे सिंग चल रहे हैं मैं टेक्नो बजा रहा हूँ उन्होंने कहा भाई थोड़ा सूफी वूफी उसके बाद वन ऑफ द डायरेक्टर्स ही गेम टू में कह रहे तेरे को सबसे ज़्यादा कौन पसंद है फिर कह रहे जो भी पसंद है अपने दिमाग में सोच ले फिर उसके बाद जाके सिंक निकले मेरे अच्छा पूरी फील से बट जैसे भी निकले अच्छा लाइक आई थिंक ही इज लुकिंग वेरी गुड ऑन स्क्रीन सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए था मेकअप
मेरा जिंदगी में मेकअप नहीं करा है भाई, लड़कियों को हैट्स ऑफ है, मतलब वो जब मेरा काजल वाजल लगा मेरी तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहा है भाई, भाई ये रहन दो, ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। या एज आई टोल्ड यू दैट वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज, सो इवन इफ यू डिडंट लाइक इट दे मेड श्योर दैट यू नो काजल जाए और लुक में आ गया। या वी शॉट इट इन पंजाब पटियाला एंड मलेरकोटला। या माइंड ब्लोइंग यार, इतने अच्छे, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में शूट करना इतना इजी हो जाता है ना, लोग इतने एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था कि ये लिटरली ये ट्रैफिक को रोक रहे थे मेरा वो शॉट लेने के लिए, एंड लोग बहुत आराम से रुक के देख रहे थे, मतलब कहीं पे भी लोग गुस्सा हो जाए, चीखने लग जाए कि यार हमें जाना है लेट, और नहीं रुक के वेट किया उन्होंने, शॉट होता था कट फिर वो निकल रहे थे फिर रुकते थे, तो आई थिंक वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हाँ अच्छे से जाए, आई थिंक यार not very rigid jab is are to dil ke bade hote hain yes yes saath mein agar fir se bhi agar gaana karne ka mauka milta hai hame wo to gaane pe depend hai na kitna acha gaana aaye, to jaise ye gaana aaya, gaane to frankly main agar aapko apna phone khol ke dikhaunga to sirf gaane hi aate hain kyunki aajkal kitna trend aa gaya, singers alag bhejte hain, 90s ka trend alag fir se shuru ho gaya, exactly music directors alag bhejte hain, labels se alag gaane aate hain, har taraf se alag gaane aate hain, lekin bahut kam वो गाने होते हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं, जो करने का मन करता है। एग्जैक्टली, हर चीज ऐसे पैसे के लिए तो नहीं होती ना, क्योंकि पैसा तो दे देगा, पैसा सब देंगे, बट गाना पूरी उम्र रहने वाला है वहाँ यूट्यूब पे और वहाँ गानों में, तो वो जब सुने तो लगे कि हाँ ये गाना अली ने किया था या सुरभि ने किया था, तो वो एक चीज़ दिमाग में इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाने तो हर रोज़ आते हैं ना, हम तो रोज़ देखते हैं नया गाना आता है और कितने टिकते हैं कितने नहीं टिकते, तो टिकने वाला गाना करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना, इससे पहले मैंने गाना किया था तू भी सताया जाएगा, राइट, तो वो भी एक गाना मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि वो गाना एक टाइम के बाद भी, अगर दो साल पाँच साल बाद दस साल बाद भी लोग सुनेंगे, एंड वो चीज़ सच है, क्योंकि वो आज भी गाना सावन पे ट्रेंड करता है, मुझे यही सेम फील इस गाने की आई, मुझे पता था कि ये गाना आने वाले टाइम पे भी लोग सुन रहे होंगे, तो ऐसे गाने बहुत कम होते हैं, जैसे वो तेरा शूट मैंने किया इसलिए क्योंकि वो आज भी हर होली में बजता है, मैं जिस होली पे जाता हूँ हर होली पे वो गाना बज रहा होता है, तो आई वॉन्ट समथिंग लाइक दैट कि मेरा गाना 10-5 साल बाद भी बज रहा होगा, लोग सुन रहे हैं, एंड आई थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर फैंस आल्सो, लाइक यू नो वो हमेशा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं टू डू गुड वर्क, जिनको वो भी अप्रिशिएट कर सके, जिसको वो सपोर्ट कर सके, सो दैट्स व्हाई आई थिंक मेरा क्राइटेरिया भी ये रहता है दैट चूज वाइजली बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द फैंस, एंड आई एम ग्लैड दैट जब भी कुछ भी करते हैं उनका पूरा सपोर्ट रहता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग, एंड आई थिंक हम एक्टर्स के लिए ना बहुत ईजी हो गए एक चीज, क्योंकि आजकल ना प्रोजेक्ट्स भी वैसे उतने अमेजिंग बनते नहीं हैं, तो ये दो दिन में ना एक्टिंग भी निकल जाती है, एक अच्छी चीज़ करने का मौका भी मिलता है, बेशक शॉर्ट है फैंस के लिए भी, और हम लोगों के लिए भी ना कुछ करने का मौका मिलता है, मतलब कुछ अच्छा, क्योंकि कुछ अच्छा है नहीं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ आता है काम तो वो भी इतना अमेजिंग नहीं आता है कि बंदा बोले यार इसमें जान लगा दूँ ये कर दूँ, बट ऐसे दो दिन के लिए भी तुम जान लगाओ ना, तो जब वो चीज़ निकल आती है तो उसमें मज़ा आता है, तो आई थिंक इट्स फन, दिस थिंग शुड गो, लंबा जाना चाहिए गाने का जो चल रहा है, आई थिंक क्योंकि हमें भी मौका मिल रहा है, सिंगर्स को मौका मिल रहा है, लाइक इज़ अ यंग गाय एंड ये अभी अभी इंडस्ट्री में आया है, ये गाना गा रहा है, अगर एक दो लेबल होते तो शायद मुझे लगता है ये नहीं गा पाता, क्योंकि इसको कौन चांस देता, एंड लाइक टाइम्स ने चांस दिया इसको, क्यों, क्योंकि दे आर गिविंग चांस टू न्यू पीपल एंड दैट्स अ बिग थिंग, सब हर इंसान अरिजीत और विशाल मिश्रा नहीं बन सकता, यू नो व्हाट आई मीन, बट चांस मिला now he no of course but a platform like for so he will get for actors also there are so many platforms but you have to choose wisely, so I think for singers also not everybody who's talented getting a chance, so it's a very fortunate thing that koi bhi acha singer hai wo jaye and pitch kare to a label and label are also you know they are giving chances to new singers which is very good thing and I totally vouch for Dhruv that he really deserves all the chances and I'm like super grateful to Times Music and like Big Bash लाइक मानसी अनपुर लाइक आई डोंट फील लाइक कि इतना बड़ा लॉन्च मेरे को मिल पाता टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं बहुत कोई भी बंदा इतना रिस्क नहीं लगाता लाइक इन समवन न्यू इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है इफ टाइम्स म्यूजिक एंड बिग बैश द पीपल आर डूइंग दैट आई एम सुपर ग्रेटफुल हेंसफोर्थ एक्चुअल में गाना अच्छा था दैट्स व्हाई एवरीबॉडी यू नो पुट देयर बेट ऑन द सॉन्ग
मैं बोलना चाहूँगा जो राइटर भी है समय क्या माइंड ब्लोइंग पर्सन यार क्या लिखा है उसने गाना उनकी म्यूजिक इज वेरी नाइस शो ने बहुत उनका लिखना का जो उन्होंने कुछ दो तीन शेर हमें सेट पे भी सुनाए थे समय ने एंड ही इज अ फैंटास्टिक ही इज अ अगेन अ यंग चैप बट वेरी वेरी टैलेंटेड मतलब दिमाग उनका कहाँ कहाँ तक चलता है ही इज अ क्रेजी गाय एंड आई थिंक उनके गाने और जिस हिसाब का गाना लिखा गया है गाने का मतलब है बिना गाने के मतलब के गाने तो आपको पता ही है कितने आते हैं जिनका मतलब नहीं होता है बस म्यूजिक चल रहा होता है राइट स्लो मोशन में दो स्टेप किए हो गया गाने एग्जैक्टली गाने का मतलब जो है ना वो बहुत कम गानों में होता है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं बहुत कम है ये गाना है विशाल करता है अफसाना करती है दे ऑल वो लोगों के गाने के मतलब होते हैं पता है आपको लिटरली मैं उनके गाने सुनता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा देखने से ज्यादा मैं सुनता हूँ इन लोगों के गाने क्योंकि वो सुनने में बहुत मजा आता है एंड गाना जब तक सुनने में मजा नहीं है वो गाने का फायदा नहीं है तो आई थिंक वे मोर देन दैट Yeah. No, of course, like big, huge thanks to all of you for loving the song. See, humne bhi mehnat ki hai because as I said that hum bhi responsible hain towards you guys. So humne kar diya jo karna tha. Now it's all yours. Ab ye gaana aapka hai. Make your reels. And if you genuinely love good music, I'm sure aapko ye gaana acha lagega. And jitne views aa rahe hain, wo ye dikha rahe hain that you're really really liking the song aur pure hafte banao lekin jumme ke din zarur banao yeah ye to actually har friday ka karna ho chuka hai ab that's true actually so every friday you can make reels and yeah acha lagta make every day upload it on friday yeah do that yeah please but reels na ki duniya mein roz friday ho gayi yeah yeah to kar do pyar do hum sabko pyar do dhruv ko do surbhi ko do ali ko do टाइम्स को दो बिग बैश को दो या वी ऑल वी वांट इज योर लव दैट्स इट एंड रील्स थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू बाय सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू किया जाए आस्क मी अ क्वेश्चन आस्क ध्रुव अ क्वेश्चन ध्रुव वांट्स टू आंसर योर क्वेश्चंस चलो अरे ऐसे इंस्टाग्राम I think we should start with Dhruv. Yeah, so the thing is we were planning this song from a while ago. Like by ek saal se we were planning aur karna tha mere ko hi. But then we were thinking about iske liye hum kya best kar sakte hain like who we should cast and stuff. So I guess we found our favorite persons to work with. So it was great. Nice. Isko maine aaj subah rehearsal karwai hai ye line. Sahi bol gaya ekdum. Very nice. So yes, see my reason was when I heard the song, I was genuinely very impressed. बहुत अच्छा गाया है and I think you all will agree with me that बहुत अच्छा गाया यार Dhruv. Like seriously, it's a beautifully written song, beautifully composed. He sung it so nicely. और फिर cherry on the top was that I got to know that Ali is doing it. मैं बोला कर लेते हैं. I've worked with the directors also before and Mansi is a sweetheart. तो सब वैसे box tick हो रहे थे. तो मैंने कर लिया ये सॉन्ग यार एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट हां डिटो या बहुत अच्छी टीम बहुत मजा आया बहुत प्यारा गाना अगेन यही सेम चीज बोलूंगा कि जब मैंने गाना सुना क्योंकि मैं गाने ले ही नहीं रहा पिछले एक साल से कोई गाने लास्ट मैंने मौनी के साथ किया था उसके बाद मैंने कोई गाना नहीं किया क्योंकि गाने अच्छे होते हैं बट कभी कभी मन नहीं करता है कोई गाने करने को और गाने बहुत आ रहे हैं गानों का एक टाइम आ चुका है जो सिंगल बहुत चल रहे हैं एंड बहुत कम गाने होते हैं जो अच्छे लगते हैं ये गाना जब मैंने सुना मेरे को भेजा अपूर्व ने तो एंड बहुत प्यारा गाना था बहुत मज़ा आया मुझे गाना सुन के मैं हमेशा गाना सुनने से पहले गाना सुनने के बाद मैं हमेशा सिंगर पूछता हूँ लेबल पूछता हूँ बट ये गाना सुना मैंने और मैंने कुछ पूछा नहीं फ्रैंकली मैंने मतलब उसने मुझे सब कुछ बाद में वहीं से बता दिया बट मुझे गाना बहुत अच्छा लगा एंड गाना अच्छा हो तो करने में भी मज़ा आता है एंड उसके बाद द डायरेक्टर माइंड ब्लोइंग था वहीं बहुत प्यारा
जैसे उसने शूट किया मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा करके निकले, क्योंकि वो हंसी मजाक में शूट कर रहा था, वो सुपर वो ऐसे ही काम करता है। एंड देन सुरभि, ऑब्वियसली सुरभि स्पेशली इस लुक में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमने इसको शायद देखा भी है ना बचपन में, कबूल है जो इसका शो था, इस पर ये लुक बहुत अच्छी लगती है एंड सेम लुक बहुत प्यारा। मेरे को पहली बार ही मुस्लिम होके मुस्लिम बनने का टाइम मौका मिल रहा था, मैं कभी बना नहीं। ओह वाह, तो मैंने बोला यार तूने भी अच्छा किया यार। हाँ, अच्छा, तो मैंने स्पेशली दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई, मैंने पूरा ऐसा गरीब दर्जी जैसा बना लग नहीं रहा था पंजाब का एक दर्जी लग रहा था मैं पूरा, तो मुझे तो बहुत अच्छी लुक भी लगी। पंजाबी तो हैंडसम होते हैं, तभी मैंने बोला, इसके लिए थोड़ी बोला। हाँ जी, क्या होता है ना मोस्टली सबका अलग अलग रीज़न होता है, बट मेरा रीज़न ये होता है कि मेरा जो अगला गाना है वो पिछले गाने से थोड़ा अलग हो, राइट। तो मैं मेरे कोई भी गाना देखोगे बहुत डिफरेंट होता है अपने मेरे अगले गाने से, तो मेरा एक वो रीज़न होता है करने का कि हाँ, इफ़ आई एम पिछला मैंने ये किया है, जैसे अभी इस बार मैंने थोड़ा 70s का लग रहा है वो गाना लुक दे रहा है, तो अगला मैं कोई डांस वाला करूँ, तो ऐसा ऐसा रहता है हमेशा मेरे दिमाग में, तो या तो उस हिसाब से ये बहुत प्यारा गाना था। See, I have always a soft corner for a Punjabi song. Being a Punjabi, मुझे जब मैं पंजाबी गाना सुनती हूँ तो वैसे ही मैं खुश हो जाती हूँ, और आई कॉन्ट स्टॉप प्रेजिंग हिम फॉर दिस सॉन्ग। सी ऑनेस्टली लाइक ही सरप्राइज मी व्हेन आई मेट हिम ऑन द सेट, मैं बोलूंगी नहीं कि ये दुबला सुपरस्टार। सो या मतलब लुक एट हिम एंड हियर द सॉन्ग, आपको लगेगा रियली वाओ नाइस। जैसे मैंने जब पहली बार एड शीरन को देखा था, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा दैट ओ माय गॉड ही कैन सिंग सो वेल, यू नो। सो द सेम वे ही इज एन अमेजिंग सिंगर एंड ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड या अबाउट दिस सॉन्ग, इट्स इन पंजाबी, लिखा बहुत अच्छा है यार, और मीनिंगफुल सा सॉन्ग है। इट्स नॉट दैट यू नो वी आर जस्ट सिंगिंग एनी थिंग एंड कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नहीं। एंड पूरा जस्टिफाई हमने करने की कोशिश की विद अ स्टोरी, बिकॉज मोस्टली दीज डे सॉन्ग्स में कुछ होता नहीं है, ब्यूटी शॉट्स लिए, दो तीन स्टेप्स किए और गाना हो गया। इसमें प्रॉपर हमने प्लानिंग की, प्रॉपर शूट हुआ, इसका स्टोरी लाइन बनाई गई एंड बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया डायरेक्टर्स ने। सो आई थिंक वो पूरा जो हार्डवर्क है वो आपको वीडियो में नजर आएगा, एंड दैट्स वाई वी ऑल, हमारी पूरी टीम बहुत थ्रिल्ड थी इस सॉन्ग को लेकर। बहुत एक्चुअली आई एंड आई लव माई फैंस फॉर डूइंग दैट, यू नो। इट्स लाइक एन वेरी एनकरेजिंग थिंग दैट दे लव मी इन दिस लुक सो मच। और सो हाँ, कुछ लोगों ने इसे लिखा भी, जोया इज बैक, सो कॉल मी वॉट एवर एज लॉन्ग एज यू आर लविंग द सॉन्ग, आई एम हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कॉमेंट्स। Oh, you were in Splitsville? Yeah, I was. Last season, I was semi-finalist. Oh, nice. What, seriously? 17 साल का पूरा नहीं आता, मैं 19 का था। मैं एडल्ट भी नहीं था, मैं एडल्ट शो में गया। Yeah, wow, I didn't know that. Okay. It feels super good कि मतलब the people I'm working with उन्होंने भी मतलब Splitsville से start किया था। When I met him on the set, like we were talking about, मैं पूछ रहा था आपने कौन सा season किया है ये वो, and I'll always be grateful to Splitsville because उससे पहले मेरे को कोई नहीं जानता था, I had no contacts in this industry, मैंने हवा में तीर मारा, वही मैं अली भाई से बात कर रहा था कि I had no contacts, literally कुछ भी नहीं, हवा में तीर मारा and I just got a call and that was the turning point, and उसके बाद इतना बड़ा project, I feel super great. Yeah, I think he's a good singer. Yeah. He's a very good singer. बहुत कम सिंगर्स होते हैं ना जो दिखते भी अच्छे हैं, गाते भी अच्छे हैं, एंड ये उनमें से एक है। एंड रॉक स्टार वाली बात हो जाती है ना, मतलब एट द एंड सिंगर को पैसा कहाँ से आता है, स्टेज से। या नेक्स्ट सॉन्ग में ध्रुव इज गोना फीचर, राइट? या या, तो आई थिंक नेक्स्ट सॉन्ग फुल ऑन बॉडी ऑडी फ्लॉ। हां, अरे बॉडी सही है यार, नो स्टाइलिस्ट, उसमें स्टाइलिस्ट इसको खुद भी करना चाहिए अपना, एंड आई थिंक परफेक्ट है ये लड़का। इसके भाइयों ने मारा, हाँ टिपिकल। उस दौरान लाइक ऐसा कोई मोमेंट कुछ आप शेयर करना
कितने सारे गन्ने खा गया ये, मैं बहुत जितने बार मीठे को मैं इतने गन्ने खत्म हो जाएंगे। खाने में इतना मजा आ रहा था, मैं वही करता बैठ के, बट जो भाइयों से मार ना खाए वो आशिक ही क्या। बहुत तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा पार्ट था उसका कि एक हमारे वहाँ ना मतलब जम्मू पंजाब बहुत एक ही एरिया है, सब सेम है, तो हमारे वहाँ पे ये बहुत होता है कि लड़के आशिक टाइप होते हैं एंड घर वालों से मोस्टली चाचे मार रहे होते हैं, मामे मार रहे होते हैं, कजन मार रहे होते हैं, भाई कूट रहे होते हैं, तो वो बेचारे लेकिन डीट होते हैं। तुमने मार खाई आशिक? मैंने मारा बहुत है बहनों के पीछे। कभी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है नहीं? मैंने मार खाई नहीं, मैं हमेशा भाग जाता था। मैं बहुत बार भागा हूँ, मैं ऐसी सी जगह से भागा हूँ कि मतलब मुझे लगता है आज मैं गया। बट ये बहुत मजा आता है ये चीज़ कि उसमें जो एंडिंग है ना कि वो लड़का डीट दिखाया है एंड आशिक डीट होता है, वो मार खा के भी वहाँ गन्ना चबा रहा है और उसको देख रहा है कि मतलब मैं यही हूँ। मैं नहीं जाने वाला। तो सोचो तब भी लड़की नहीं आती तो बढ़िया होता ना क्लाइमेक्स। फिर भाई नहीं नहीं यार, लड़की को भी लगा इतनी मार खा ली अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली, तो वो पार्ट बहुत प्यार उस गाने की, एक एक मतलब प्रॉपर स्टोरी अगर आप देखोगे कि हाँ दरगाह में हमारे, और लिटरली ऐसी चीजें होती है जो आशिक होते हैं वो कहीं भी जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ एक दूसरे को देख के प्यार हो जाता है, शादियों में। करेक्ट, मतलब इससे आगे कुछ नहीं, इससे पहले कुछ नहीं, दे जस्ट लुक एट ईच अदर एंड दैट्स इश्क फॉर देम। सो आई थिंक वही पोर्ट्रे बिकॉज़ टाइम मेरा भी वही है, यू नो इट्स नॉट टुडेस टाइम, तो पुराना का टाइम है ना, पुराने का टाइम। आज तो फिल्टर डाल दो तो प्यार हो जाता है, इंस्टा डीएम कर दो खत्म, फिल्टर में लड़की क्या समझ आता है लेकिन फिल्टर के बाद। लेकिन ये जितना खूबसूरत सॉन्ग था आई थिंक उस दौर की सादगी इसको जस्टिफाई कर सकती थी। ये तो पंजाब की है, बड़े पंगे होंगे इसके पीछे। मैं इसे लिख के ले लो, इसके पीछे इतने पंगे हुए होंगे ना वहाँ पे। But it's a very common thing, जैसे अली ने बोला, अली रोज का अपना। अरे और पता है मुझे ऐसा लगता है कई बार भाइयों को आना ही नहीं पड़ता, लड़के लड़के आपस में कूट देते हैं दूसरे को। बहुत हमारे भाई बहुत होता है, आई एम श्योर यहाँ भी होता होगा, हर जगह होता होगा, बट नॉर्थ इंडिया में नहीं बहुत होता है। हमारे स्कूल के बाद कॉलेज स्कूल कॉलेज में चंडीगढ़ में किया तो रोज कोई ना कोई बाहर खड़ा होता था, क्यों भाई उसने उसकी बहन को देख लिया था तो कुटने पहुंचे हुए हैं। तो बट जो आशिक होता है ना वो डीट, जब डीट होता है ना तो वो पा लेता लड़की को। तो आई थिंक प्यारी लव स्टोरी है, खूबसूरत है। हाँ इतना तगड़ा दर्जी था वो। दो मुर्ते सिल दिया सर। मुझे लगता है कि वो पड़ोसियों के बच्चे खाता था। इतना तगड़ा दर्जी था वो, अपनी पठानियों में गन्ने खा खा के दर्जी की सेहत देख लो। सो यार नहीं, मैंने जितने भी सेट पे सूट पहने वो सारे अली ने ही सिले हैं। बहुत ज्यादा होमवर्क किया अली ने उस रोल के लिए। आ रहे हैं अब क्लाइंट्स भी आ रहे हैं धीरे-धीरे। एक्चुअली जब मैं वो ऐसे जा रहा था गाने के बाद अली को कपड़े सिलने के क्लाइंट्स आ रहा, मेरे को कुछ भी चलेगा काम जो भी आया अली ऑनेस्टली करेगा वो। तो मेरे को ऐसा वो उठा के जा रहा था ना तो मेरे को लिटरली वो ऐसा लग रहा था क्योंकि हमारे घरों में ऐसे आते थे 10-15 साल पहले, जब तक ऑनलाइन नहीं होता था, स्टोर्स नहीं होते थे जम्मू में, तो मम्मी के पास आते थे लोग ऐसे ही लेके, वो खोलते थे कपड़े और साड़ियां वगैरह दिखाते थे, तो वो सब देखा हुआ था तो वैसा ही थोड़ा यूज किया। आई थिंक इसका यूएसपी वही है दैट वी एक्चुअली टेक आवर ऑडियंसेस बैक इन दैट एरा या ओल्ड टाइम, सो वी पर्टिकुलरली हमने फैशन का मेकअप का उस टाइम पे थोड़ा, जैसे अगर काजल लाउड होता था सो वी मेड श्योर कि हम वैसा करें, वो घर जो सेटअप दिखाया है दैट ऑल्सो इतना रेकी कर करके ढूंढ के उसे ढूंढा, एंड देन वो कार्स ऑल्सो दैट वी यूज्ड इन द कार, सो हमने यही कोशिश की है कि वीडियो पे कहीं भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लगे कि 70s में ये तो नहीं होता था। सो ऑफकोर्स लूप होल्स आपको शायद मिल जाए बट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दैट वी डिड प्रॉपर जस्टिस टू आवर स्टोरी। पंजाब में शूट करने का बहुत मजा आता है, मैंने मोस्टली अपने सारे गाने वहाँ किए। पंजाब में शूट करने का बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत फील आती है, खाना अच्छा, गाने